गिरफ्तारी वारंट है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि वारंट क्या होता है और वारंट कितनी प्रकार के होते हैं और क्या पुलिस किसी भी आम व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो साथियों, मुद्दे की बात यह है कि बिना वारंट के पुलिस केवल और केवल संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के मामलों में। ऐसे संज्ञेय मामले जिनके अंदर पुलिस को कानून के अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं कि जहां गंभीर अपराध है वहां उन्हें मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है, वह डायरेक्ट ही गिरफ्तार कर सकते हैं। किंतु आज की चर्चा हमारे इस मुद्दे पर नहीं है, आज की चर्चा है कि वारंट क्या होता है और ये कितनी प्रकार के होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको वारंट की जानकारी दूं कि वारंट मजिस्ट्रेट के द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर से और उनकी मोहर लगी हुई एक ऐसा ऑर्डर होता है जो पुलिस के एक अधिकारी को एड्रेसेस किया होता है कि पुलिस का अधिकारी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करे। किसी भी वारंट के अंदर न्यायालय का नाम और एड्रेस, पता कि न्यायालय कहाँ स्थित है, केस का टाइटल कि कौन सा केस है, किसने किस पर किया हुआ है, उस केस की जानकारी, संक्षिप्त जानकारी धारा की, किस धारा के अंतर्गत यह वारंट जारी हुआ है या व्यक्ति पर क्या अपराध है इस संदर्भ का, और पेशी की तारीख और कितने बजे उसे उपस्थित होना है, और नीचे मजिस्ट्रेट की मोहर और उनके हस्ताक्षर होते हैं, और ये जो वारंट होते हैं या प्रस्थानित किया जाता है पुलिस थाने को कि पुलिस थाना इस वारंट की तामील करा के न्यायालय के अंदर उसकी तामील पेश करे। तो साथियों, वारंट में सबसे पहला आता है जमानती वारंट, जिसे कि इंग्लिश में बेलेबल वारंट कहा जाता है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति का जमानती वारंट जारी करता है तो वहां पुलिस अधिकारी उस वारंट को लेकर उस एक्यूज्ड के, जिसके नाम पर यह वारंट जारी है, उसके घर जाता है और वह वारंट उसको दिखाता है। जमानती वारंट में यह प्रोविजन होता है कि जिसके नाम से ये वारंट जारी है वह व्यक्ति किसी एक प्रतिभू को, यानी कि एक गारंटर को, उस वारंट के साथ जो मुचलका प्रस्तुत होता है उस पर हस्ताक्षर करवाए कि यह व्यक्ति इस तारीख को इतने बजे न्यायालय में हाजिर होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और यदि यह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होगा तो इतनी राशि बतौर जुर्माना मैं राजकोष में न्यायालय में बतौर पेनल्टी जमा कराऊंगा, यह गारंटी लेता है। और इस गारंटी पे उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होते हैं जिसको न्यायालय द्वारा, जिसके नाम पर वारंट जारी किया गया है कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हाजिर करें। तो इस प्रकार किसी एक व्यक्ति के जमानत दिए जाने पर या जो वारंट के अंदर निष्पादित किया हुआ उसकी शर्तों का की पालना किए जाने पर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी और उसको इस बात पे पाबंद करके छोड़ देगी कि आपको इस तारीख को इतने बजे न्यायालय में उपस्थित होना है, और यदि आप नहीं उपस्थित होंगे तो आपके जमानती को इतनी राशि बतौर गारंटी के रूप में न्यायालय में जमा करानी होगी। यह तो होता है साथियों जमानती वारंट। और इसके बाद यदि व्यक्ति वह गारंटी उपलब्ध नहीं करा पाता है तो पुलिस को राइट है कि वह उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करे और वह व्यक्ति अपनी जमानत याचिका न्यायालय में लगाए। अब हम अगली बात करते हैं गिरफ्तारी वारंट, जिसे कहा जाता है नॉन बेलेबल वारंट, जिसमें स्पष्ट रूप से वही सारी सारी चीजें मेंशन होती है लेकिन वह गिरफ्तारी वारंट होता है, जिसमें सिंपल सी बात होती है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है पुलिस थानाधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करे। वहां वह व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और उसके किए गए अपराध के आधार पर उनके वकील के द्वारा उसकी जमानत याचिका लगाई जाती है, जो गुणावगुण के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत अर्जी स्वीकार करना या नहीं करना उन पर डिपेंड करता है। तो साथियों, जमानती वारंट के अंदर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की जमानत देकर बिल्कुल फ्री हो सकता है और निश्चित तारीख को वह कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है, और गिरफ्तारी वारंट में सीधे ही अधिकार होता है कि उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। वह पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वह आपको जमानत पर छोड़।
छोड़े। इस अवस्था में जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी मिलती है कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, तो वह पूर्व में ही न्यायालय में जाकर सरेंडर करके अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकता है। और वह किए गए अपराध पर डिपेंड करता है, उसके गुणागुण पर निर्भर करता है कि उसको उसमें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साथियों, ये है वारंट की जानकारी। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी आपके ऊपर किसी जमानती वारंट की तामील हुई है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही न करते हुए निश्चित तारीख को न्यायालय के अंदर अपनी उपस्थिति दें और अपनी जमानत करवा लेवे। क्योंकि जमानती अपराध की अवस्था में ही आपका जमानती वारंट जारी होता है, वहां यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपके लिए अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है, जो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों के अंदर डाल सकता है। और एक चीज और है, यदि आपको कोर्ट से समन भी तामील होता है, तो उस समन में अगर आपको किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर अगर समन जारी हुआ है, तो निश्चित रूप से आप समन के आधार पर भी अपनी उपस्थिति न्यायालय के अंदर अवश्य दें। क्योंकि समन के बाद यदि आप न्यायालय में उपस्थिति नहीं होते क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, तो वहां पर आपके खिलाफ जमानती वारंट जारी हो सकता है और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। और जब सिविल मैटर के अंदर किसी प्रकार का संबंध आए, तो वहां तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि आपको समन तामील हो गया, आपको समन मिल गया, इसका मतलब आपको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी है। और वहां उस अवस्था में यदि आप ये भूल करते हैं और आप न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपके विरुद्ध एक्स पार्टी किसी भी प्रकार का आदेश, निर्णय या डिग्री जारी हो सकती है। तो साथियों, ये जानकारी थी हमारी वारंट के ऊपर। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई, तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कानून से जुड़ी हुई अपडेट हमारे द्वारा इस चैनल पर आपको दी जाती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।